मेरठ से हुंकार सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार सर। आदाब, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम हुंकार सिंह ही है ना? जी सर, हुंकार सिंह कश्यप सर। अच्छा, ओमकार सिंह, बताइए। सर मेरा बेटा है 40 साल का। और सर 20 सालों से शुगर है उसको। ठीक है। और सर आपके यहाँ से जैतून का सिरका मंगाया जी। जी। और बेटे को अब दस्त लग गए सर, इंसुलिन दे रहा सर 10-10 दिन और 4 बार। अच्छा, ठीक है। और सर इसके ठीक है जी जी मैं जानता हूँ, एक बाप का जवान बेटे के लिए जो दर्द होता है, और काफ़ी दिन से शुगर है। अच्छा, शुगर का याद रखें कि ये पूरी अच्छी नहीं होती, कोई कितना ही कह ले कि पूरी अच्छी हो जाए, ये कंट्रोल की जा सकती है। और इंसुलिन कोई बुरी चीज़ नहीं है, इंसुलिन आप ले सकते हैं, और खाने की दवा से भी अच्छे इंसुलिन है, ऐसा डॉक्टरों का विचार है। और ये जो सिरका है, ये आप उन्हें बस इतना दें जितना वो सहन कर सकते हैं। अगर आधा चम्मच कर सकते हैं तो आधा चम्मच दीजिए, एक चम्मच कर सकते हैं तो एक चम्मच, फिर बाद में बढ़ाएंगे। और दस्त इत्तफाक से भी लग सकते हैं और इससे भी लग सकते हैं, कोई कुछ पता नहीं, क्योंकि ये जिसको भी इंसुलिन और शुगर होती है उसका पेट इम्प्रेस होता है, उसका पेट में ही तो सारा रोग है। तो एक और भी दवा है जिसे जामुन का गोंद कहते हैं, काफ़ी तेज़ होती है, एक चुटकी 2-3 बार दिन में दे सकते हैं, एक एक चुटकी पानी के साथ। बस 2-3 बातों का ख्याल रखें, बेटे से कहें मेरी तरफ से कि पैदल ज़रूर चला करें 1 घंटा, और गर्म पानी ज़रूर पिया करें, इससे भी शुगर काफ़ी कंट्रोल होती है। शिमला से हैं रमेश कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। बात कराएंगे आप डॉक्टर साहब? बिल्कुल, बात कीजिए जी। बात हो रही है शिमला वालों, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। ठीक है सर, मेरे गोडे में दर्द है डॉक्टर साहब, इसमें स्वेलिंग है, उसमें ऊपर को स्वेलिंग नहीं जा रही है, दवाइयाँ बहुत खा ली, टेस्ट सारे करवा लिए, सब ठीक है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गठिया नहीं है, कुछ नहीं है, सब। उम्र क्या है आपकी? मेरी तो 70 शुरू हो गई, 70 साल। ठीक है, ठीक है। एक आता है गोंद स्याह, स्याह कहते हैं काले को, काला गोंद ले लीजिए, लेकिन असली लेना, इसमें नकली बहुत ज़्यादा आ रहा है। बस ये गोंद स्याह ले लें, और आपके किचन में ये धनिया है, धनिया का पाउडर सभी किचन में होता है, आधा चम्मच धनिया और आधा ग्राम गोंद स्याह असली ज़रूर लेना, क्योंकि इसमें नकली बहुत दे रहे हैं लोग। इसमें मिलाकर नाश्ते के बाद पानी से ही खाएं तो बेहतर है, ले लिया करें 1 बार, और रात को खाने के बाद 1 बार। फिर एक बार बोलता हूँ, गोंद स्याह यानी काला गोंद, आधा ग्राम और आधा चम्मच धनिया में मिलाकर आप 2 बार नाश्ते और खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा होना चाहिए। आप किसी बहुत चक्कर में ना पड़ें, सिर्फ 15 दिन महीना ये इलाज करें। अगर उससे ऐसा लगे कि आपका रोग 10-20% कम हो गया तो फिर 5-6 महीने इलाज करके छोड़ें। वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और अब मेहनत ना करें ज़्यादा, बस आपके लिए ये काफ़ी होना चाहिए।